हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो हमारा आज का टॉपिक है क्लास एट्थ के लिए चैप्टर वन रिसोर्सेज सो so, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो so, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सो so, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर रिसोर्सेज रिसोर्स रिसोर्स इज एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिसफाई ह्यूमन वॉन्ट्स रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिसफाई करता है रिसोर्सेज इंक्लूड फर्स्ट पॉइंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द एन्वायरमेंट एंड विच ह्यूमन यूज़ डायरेक्टली जो भी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट में प्रजेंट होती है और ह्यूमन उसे डायरेक्टली यूज़ कर लेता है उसे हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं अब हमारा सेकेंड पॉइंट है थिंग्स विच ह्यूमन ट्रांसफोर्ट इन टू यूजेबल मटीरियल टू सेटिसफाई देयर नीड्स जो भी चीज़ इंसान अपनी नीड को सेटिसफाई करने के लिए कुछ भी यूज मटेरियल बना लेते हैं उसे भी हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं सब so, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो सी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस, सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जाम्पल मिनरल्स बिल्डिंग एंड पीपल सो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ठीक है सो so, आगे हमारा है ओन द बेसिक ऑफ ऑरिजन बायोटिक रिसोर्सिस एंड ए बायोटिक दो तरीके के होते हैं ओन द बेसिक ऑफ क्वान्टूटी इन सप्लाई रिनेबल रिसोर्स एंड नॉन रिनीबल रिसोर्सेज अभी आगे भी दो है जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे फिर इन्हें एक एक करके समझेंगे तो आगे के दो पढ़ते हैं ऑन द बेसिक ऑफ़ डेवलपमेंट एंड यूज एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स एंड पोटेंशल रिसोर्सिस ऑन द बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूबिक्लाट्स रिसोर्स एंड लोकेलाइज रिसोर्स सब हम लोग आगे इन्हें एक एक करके समझने वाले थे सब so, हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोटिक रिसोर्स से ओके okay? सब so, हम लोग स्टार्ट करते हैं सब हमारा है बायोटिक रिसोर्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गैनिज्म बायोटिक रिसोर्स ऑल लिविंग ऑर्गैनिज्म होते हैं जहाँ पर भी लिविंग बीन्ग्स मिलेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उन्हें हम ए बायोटिक सॉरी बायोटिक रिसोर्स कहते हैं ह्यूमंस भी ह्यूमन्स को भी हम लोग बायोटिक रिसोर्स ही कहते हैं अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ए बायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग थिंग को हम लोग ए बायोटिक रिसोर्स कहते हैं यूज बाय ह्यूमन बींग्स आर एयर एंड सनलाइट सनलाइट और एयर भी नॉन लिविंग सबस्टांस है किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस को हम लोग एबायोटिक e बायोटिक कहते हैं अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिनेबल रिसोर्स आर दोज दैट गेट रीजनरेटेड और रीप्लानिज रैपिडली जो जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं और रिप्लानिज हो जाते हैं जल्दी सम रिसोर्सेज रिप्लानिश डेम जो खुद ही रीप्लानिश हो जाते हैं लाइक वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट किसी किसी को टाइम लगता है लाइक मैकेनिज्म प्रोसेस लाइक सॉइल एंड वाटर जो हमारा सॉइल और वाटर है इसको भी टाइम लगता है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नॉन रिनेबल रिसोर्सेज नॉन रीनेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लानिस्ड जो खुद से रिप्लानिश नहीं हो सकते और ना ही रीन्यूड हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक मिनरल्स कोल कोल थाउजेंड ऑफ ईयर ले लेता है नेचुरली रिप्लानिश होने में सो so अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या है टॉपिक सो so हमारा आगे का टॉपिक है एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दो रिसोर्स विच हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड जो चीज़ पहले से ही डेवलप्ड हो गई है उसे हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सिस कहेंगे एंड विच आर प्रजेंटली बीन यूज जो अभी भी यूज हो रही है लाइक ब्लैक सॉइल ये हमारा एक्चुअल सॉयल में आ गया ओके okay? अब आ गए हमारा पोटेंशियल रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच कुड बी यूज़ इन द फ्यूचर ड्यू टू ब्रेक थाट्स जो भी चीज़ हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर, like, कर सकते हैं उसे हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज कह सकते हैं लाइक टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं बायोफ्यूल इन्हें हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं अब आगे पढ़ते हैं यूबिक्लाटिस रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर यूबिक्लाटिस रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो हर जगह फाउंड होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एयर एयर हर जगह फाउंड होती है तो ये यूबिक्लाटिस रिसोर्स का एग्ज़ाम्पल हो गया अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लोकेलाइज रिसोर्सेज आर दोज विच आर अनलीवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड जो पूरे वर्ल्ड में चीज़ मिलती है उसे हम लोग लोकेलाइज रिसोर्सेज कहते हैं लाइक गोल्ड डायमंड एंड सिल्वर तो ये हमारे लोकेलाइज रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है और गोल्ड डायमंड और सिल्वर को हम लोग लोकेलाइज रिसोर्स कहते हैं अब हम आगे देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज विच ह्यूमन क्रिएट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स जो ह्यूमन ने खुद से बनाया है उसे हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स कहेंगे लाइक like, टेक्नोलॉजी ले लो स्किल्स ले लो इन्हीं चीज़ों से तो ह्यूमन मेड्स ने अपने आप अपने, अपने लिए चीज़ें बनाई हैं अब हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ पीपल द क्रिएटिविटी माइंड ऑफ ह्यूमन एंड द डिज़ायर टू सेटिसफाई देयर नीड्स फ़ॉर एग्जाम्पल टावर्स एंड क्लोथ्स ह्यूमन रिसोर्स से तो ह्यूमन रिसोर्स तो एक पीपल खुद ही हो गया ह्यूमन ने जो अपने लिए चीज़ें बनाई हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं लाइक ट्रावल क्लोथ्स इसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे अब आगे का हमारा टॉपिक है कंजर्व कन्जर्व कंजर्विंग रिसोर्स फॉर फूड ह्यूमन डिपेंड्स ऑन द सॉइल खाने के लिए भी इंसान सॉइल पर डिपेंड है पहनने के लिए भी इंसान फाइबर पर डिपेंड है प्लांट पे डिपेंड है और एनिमल पे डिपेंड है इसे हम कंजर्विंग रिसोर्सेज कहेंगे अब आगे हम पढ़ेंगे कि आगे हमारा टॉपिक क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड हैज डेवलपमेंट डेट दैट मेट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जो चीज़ हम लोग प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक यूज़ कर सके उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं ठीक है जिस भी चीज़ को हम फ्यूचर तक यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट से लेके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गई अब आगे हमारे हैं फोर आर एस रिड्यूस कंज्यूम लेस एंड डू नॉट वेस्ट वाटर रिड्यूस का मतलब है गलत काम को करना कम करो मतलब डोंट वेस्ट वाटर कुछ भी ऐसा पॉइंट ले लो आप रीयूज यूज़ अ प्रोडक्ट और रिसोर्स हैज़ मैनी टाइम्स हैज यू कैन किसी भी चीज़ को बार बार री यूज़ करो रीसाइकल अवॉइड वेस्टेज बाय चेंजिंग अ प्रोडक्ट इन टू अनदर यूजेबल मटीरियल सब अब देखो किसी भी चीज़ को जैसे कि मान लो आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो ठीक है अब वो ख़त्म हो गई वो चीज़ अब आपने सोचा मैं इसको कोई र, कोई अच्छी सी चीज़ बना के इसे अपने घर पे रख लेता हूँ तो ऐसा मत करो उस चीज़ को रिसाइकल कर दो ठीक है वो बेस्ट है रिफ्यूज़ इफ़ यू डू नॉट नीड थिंग then रिफ्यूज़ इट अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए तो उसको रिफ्यूज़ कर दो सो so, आज के लिए बस इतना ही अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाय बाय